जनता पार्टी द्वारा नगर निगम चुनाव को लेकर आज एक परिकल्पना पत्र को मंत्री कृष्ण पवार ने जारी किया। इस परिकल्पना पत्र में सरकार की पानीपत को लेकर उपलब्धियों तथा संकल्पों को शामिल किया गया है। परिकल्पना पत्र को मंत्री कृष्ण पवार, चुनाव प्रभारी अजय गोड़, सह प्रवक्ता भाजपा रणदीप धनगस, विधायक रोहिता रेवड़ी, विधायक महिपाल ढांडा व जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों के समक्ष रखा। इस अवसर पर पत्रकारों ने पिछले मैनिफेस्टो तथा आज के चुनाव परिणामों को लेकर भी कड़े सवाल पूछे। चुनाव की बात कर रहा हूँ सर, मेरे पास घोषणा पत्र है, मैं लेके आया हूँ सीधे। जब उसमें जो आप लोगों ने दावा किया था उस घोषणा पत्र में 2013 में, उसमें ये कहा था कि पूरे शहर में CCTV कैमरे लगाएंगे। 5 साल बीत गए, कब लगाएंगे पता नहीं। मैं पूछ लेता हूँ, 4-5 सवाल है मेरे। और एक था कि 150 वर्ग गज तक के जो मकान हैं उनके हाउस टैक्स माफ कर देंगे, लिखा हुआ है आपका ये। और सफाई को लेकर भी तब भी व्यवस्था थी करेंगे। पेयजल को लेकर था कि नहरी पानी लाएंगे, मतलब 2013 के घोषणा पत्र है। नहरी पानी लाएंगे के लिए, कैनाल कैनाल बाईपास को लेकर घोषणा हुई थी कि बाईपास बनाएंगे। 5 साल बीत गया, बाईपास बन के तैयार। इसमें मैं ये था कि हम शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए बाईपास बनाएंगे। एक तो ड्रेन टू पर अब लटका हुआ है, अब तक पूरा नहीं हुआ है। कोर्ट का तो उसका तो उसी ही होगा, बाकी तो हमने तो करे दिए। अच्छा, और एक और लिखा हुआ है कि जो हालांकि ये कर्मचारियों का है, ज्यादा मुझे पढ़ना नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि दमकल विभाग के सारे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, मतलब जो आप लोगों ने वादा किया था उस टाइम। तो हमारे निगम नहीं बने ना, अब तो मुझे मेरा सवाल 2-3 साल बना दो कि ये कुछ CCTV कैमरे लगाने के लिए और 5 साल चाहिए। इसके लिए जैसे हमने पहला सवाल किया कि हम सुरक्षा की दृष्टि से हम CCTV कैमरे लगाएंगे, इसमें मेन पॉइंट होता है सुरक्षा की दृष्टि से मेन बस स्टैंड। हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में पानी के अंदर हमने सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए हमने CCTV कैमरे लगाए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आपने बाईपास की बात कही, इस बार ट्रेन नंबर 1 के ऊपर बाईपास माने मुख्यमंत्री घोषणा है, लेकिन कुछ मामला वेरिफिकेशन में, तो उस पर जैसे कोर्ट से क्लियर हो जाएगा वो बना दिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री घोषणा। इसके अलावा इसे जो है काबली रोड है उसका ओवरब्रिज का काम चल रहा है, और एक नई प्रपोजल और है, वो माननीय मुख्यमंत्री सर से उस मंजूरी मिल चुकी है। रिफाइनरी से लेकर के पूरा उसका काम चल हो गया, और जो फुटला से ऊपर आकर डार तक एक बाईपास की योजना है, ये सब पाइपलाइन में ये काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सभी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं का रुझान है, और निश्चित तौर पर अमित कौर मेयर बनेगी और 26 के 26 वार्ड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे, जिसमें एक में इंडिपेंडेंट के तौर पर काम है, क्योंकि फार्म समय पर भर नहीं पाए थे, तो 25 में हम सिंबल पर लड़ रहे हैं। तो इसलिए निश्चित तौर पर जो नगर निगम के जो मतदाता है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों को वोट डाल। सर, जो चुनाव परिणाम आया उसका असर आने वाले निगम के चुनाव में पड़ेगा, इसके लिए अलग अलग स्टेट की अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, हर स्टेट की अलग परिस्थितियाँ होती हैं। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति माननीय मनोहर लाल के प्रति लोगों की आस्था है, क्योंकि अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,000 अनाउंसमेंट किए माननीय मनोहर लाल जी ने, उसमें से 90-95% पूरी हो चुकी है, और विशेष तौर से आपके शहर में नगर में आप रहते हैं, तो अतीत की सरकारों में शहर में इतने काम नहीं हुए जितने कि इस 4 साल के कार्यकाल में ग्रामीण में और पानीपत शहर में काम हुए हैं। विशेष तौर से जो पानीपत की सबसे बड़ी जो समस्याएँ थी, जो कॉलोनियाँ थी वो अनऑथराइज थी, उनको रेगुलाइज करने का 79 में से 78 कॉलोनियाँ को रेगुलाइज करके बहुत बड़ा तोहफा पानीपत के लोगों को दिया है। ये माननीय मनोहर लाल के इस बात को धन्यवाद। सर, पिछले घोषणा पत्र में काम नहीं हुए थे जो रह गए, लेकिन क्या आप सोचते नए घोषणा पत्र काम होंगे अगर आपका मेयर चुना जाए? इसके लिए निश्चित तौर पर जो अब से पहले जो घोषणा पत्र हमने पढ़ा है, तो इसमें लगभग या तो काम पूरे हो चुके हैं या पाइपलाइन में है, उनको पूरा कर लिया जाएगा। और एक जो हरियाणा सरकार ने जो शुरुआत की है करप्शन को समाप्त करने की शुरुआत की है, कि जब भी कोई मेयर बनता था तो 1 साल के बाद उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता था,
और फिर जिस प्रकार से पशु खरीदने के लिए बोलियां लगती हैं, पार्षदों खरीदने के लिए बोलियां लगती थी, लेकिन अब डायरेक्ट मेयर का चुनाव करके करप्शन का जो एक अड्डा था उसको समाप्त करने का काम किया। और अवनीत कौर पढ़ी लिखी हमारी बेटी है, इंडिपेंडेंट होकर काम करेगी और जो पार्षद हैं सभी मिलजुल करके उनका सहयोग करके पूरे नगर में विकास करें। इन चुनावों के परिणाम से लोकसभा और विधानसभा चुनाव क्या सोचते हैं, आप बहुमत में आ पाएंगे? इसके लिए निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री ने पहले हमने पहले घोषणा की थी, आज दोबारा फिर माननीय मुख्यमंत्री ने हम सब अपने संगठन के बलबूते में कराए कि केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। पांच राज्यों में जो हार हुई है भाजपा की, जो तीन बड़े राज्य है वहाँ जो हार हुई है, उस पर कुछ कहेंगे? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर संगठन की दृष्टि से काम करती है, लेकिन राजनीति में हार और जीत लगी रहती है। लेकिन जो चाहे राजस्थान है चाहे मध्य प्रदेश है, जिस प्रकार के डेल्टा है, जो लोग को आप कहते थे 25 का आंकड़ा पार भी नहीं करेंगे, लेकिन बहुत कंपटीशन के अंदर जाकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस डिक्लेयर भी नहीं हुआ, अभी तो बहुत कंपटीशन में है। 14 सीटें 1000 वोट से कम के डिफरेंस में 14 सीटें। हार तो होती रहती है, लेकिन सबक के तौर पे लेगी पार्टी। लेकिन पार्टी संगठन जो होता है इस प्रकार की हार जीत लगी रहती है, लेकिन जब भी कोई होती तो पार्टी उसके बैठकर के संगठन पूरा बैठकर विचार करता है और उस पर चिंतन करते हैं कि क्या कारण रहे कि हमने लूज किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े हैं। आपके सामने सीट भी बता रही है, ताकत से मोदी मैजिक कम हुआ है? नहीं, मोदी नहीं कम हुआ है, मोदी का जो एक रुतबा है पूरे देश में आज भी बरकरार है। पत्रकार वार्ता के दौरान मंत्री कृष्ण पवार तथा भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने पत्रकारों को मुख्यमंत्री के कल के प्रोग्राम के लिए भी आमंत्रित किया। यह प्रोग्राम नूरवाला में होगा। माध्यम से संदेश जाए पूरे नगर को, कल माननीय मुख्यमंत्री पानीपत के अंदर समय तकरीबन 12 बजे करीब नूरवाला के पास बहुत बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जो पानीपत नगर के सभी वार्डों के जो लोग हैं वो उसमें अपील हमने की है, तो लोग बहुत भारी संख्या में आएंगे और लोगों में बहुत भारी उत्साह है सभी वार्डों के अंदर और माननीय मुख्यमंत्री के पद। कल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी पानीपत में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए नूरवाला बस स्टैंड पे दोपहर बाद 12 बजे आ रहे हैं। मेरी सभी कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों से, पदाधिकारियों से और साथ ही साथ पानीपत के नागरिकों से निवेदन है कि इस सभा में आके वो मुख्यमंत्री जी के विचार सुने। ये सभा जो है नगर निगम के चुनाव हेतु रखी गई है और आपका इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है।